सिंगरौली जिले के एनसीएल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले युवक को ठगी का शिकार हुए युवाओं ने सरेराह पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। क्या हो गया? आगे गाड़ी आ गई। क्या हो गया भाई? चलो इधर आओ। क्या हो गया? ड्यूटी के नाम पर पैसा खाता है आदमी, कहीं धोखा खाया है। कहाँ 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 ड्यूटी लगवाता है? बीटपुर में बोल रहा था, बीन नगर में बोल रहा था। बीटपुर के लिए पैसा लिया है 15,000, दो महीने से कम नहीं उठा रहा है। हाँ, कितने लोगों से पैसा लिया है? 4-5 लोगों से का भी पता चला है मेरे को। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है फोन लगाते हैं, दैया मैया करता है, कभी तो कॉल ही नहीं उठाता। क्या करोगे? सही एड्रेस भी नहीं बताता है कि हम ये जगह पर कैसे कैसे खोज के इसको आज पकड़ पाए। रात खुदा है तो क्या बताएगा वो जगह, रात गिरी आदमी है। तो सही एड्रेस कितने दिन हो गया पैसा दिए? 2 महीना हो गया। वो बोला था 10 दिन में पैसा वापस, अगर ड्यूटी नहीं लगाते। ड्यूटी लगवाने के लिए पैसा लिया था, 2 महीने हो गया। फोन तो उधर चलो ना यार, हाँ बताओ। हमारे मियाली गाड़ी पर लेकर तो समझा था, हमारे मियाली। हाँ हाँ, चौकी में ले जाएगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सिनेमा सिंह। बस समझे रहो, संचेरा मूड खराब मत कर। काहे के लिए पैसा काहे के लिए लिया था? ड्यूटी लगवाने के लिए। किस कंपनी में? बीजेपुर। जब किसका वहाँ कोई कंट्रेक्टर नहीं रे। दो महीना से फोन नहीं आ रहा है। बताया गया है कि एक दर्जन से ज्यादा बेरोजगार युवाओं से इस युवक ने एनसीएल में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की है। बताया गया है कि पकड़ा गया युवक नौकरी दिलाने के नाम पर 5,000 से 10,000 रुपए की रकम लेता, लेकिन किसी भी युवक को आज तक उसने नौकरी नहीं दिलाई। इसके बाद ठगी का शिकार हुए बेरोजगार युवकों ने आज उक्त युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि पकड़ा गया युवक किसी दूसरे जिले का निवासी है, जो सिंगरौली जिले की एनसीएल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर जिले के कई युवकों से ठगी कर चुका है, जिसकी तलाश बेरोजगार युवक लगा रहे थे। इसी बीच वह बाजार में इन युवाओं को मिल गया, जिसके बाद उन्होंने पकड़कर इसकी जमकर पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। अब बेरोजगार युवकों की मांग है कि उनका पैसा ठग से वापस कराया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, काहे के लिए कितने लोगों से पैसे लेते हो? काहे के लिए ले रहे थे? कौन सिक्योरिटी किस कंपनी में? कौन सी सिक्योरिटी? हाँ देखिए, ये कैसा है बताओ ना। पैसा दिवाई। अरे ऐसे ठेकेदारों से कांटेक्ट था। किस ठेकेदार से कांटेक्ट था? अरे वही मतलब गांव का एक काम करवाते थे। तो कहाँ, किस कंपनी में, किस ठेकेदार से? 62-66-67-11-02। नाम बताओ ना, नाम बताने का डर है। कहाँ? एनसीएल में, किसी ओबी में, कहाँ? हाँ तो और इसमें कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे साथ? नहीं है, कोई शामिल नहीं है मेरे साथ। हाँ, ये ठेकेदार था, उसके मतलब उसके पास कॉन्टेक्ट था, तो लगते थे लड़के। कौन ठेकेदार है? सत्येंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, कितने दिन से काम कर रहे? कितने लोगों से पैसे ले चुके हो अभी तक? 4-5 लोगों तक का मेरे को पता है। कब से ये काम कर रहे हो? अरे अभी फिलहाल मतलब यही 1-2 लोगों से लिए थे, हम करते नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? सिद्दीकपुर।